स्नैप बेचते रहना खाने में, मोटिवेशन दूंगा ना तो मेरा ही दिमाग खराब हो जाए। पीटी कैसी हुई अभी? भाई मंदिर जरूर जाया करो। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफी टाइम बाद हम जा रहे हैं मूवी देखने। अभी लेट हो रहा हूँ, मूवी हॉल में पहुंच के आप सबसे बात करता हूँ। सो गाइस अब आ चुके हैं मूवी देखने, विक्रम वेदा विक्की भाई से मिलवा। तो विक्की भाई ये बताओ कौन सी मूवी देखने आए हम, नाम बता दो मुझे। किसकी है ये? किसकी है? शाहरुख खान की? शाहरुख खान की नाम मुझे पता, शाहरुख खान। हाँ विक्की भाई कैसी लग रही है मूवी? मूवी ने नाश कर दिया भाई, सस्पेंस बन रहा है तकड़ा अभी तक। सस्पेंस मामला आ गया, पॉपकॉर्न ला रहे अर्जुन भाई, पॉपकॉर्न ला रहे। छोटे भाई को दिखा दो, अभी दिखा दो भाई। क्या करना चाहिए भाई? नीचे वाली सीट का क्या थिएटर है भाई, सारे खाली और यहाँ पे भाई गलत है भाई। मूवी वूवी का खराब मजा खराब कर रहे हो। तमिल वमिल में देख लो फिर तो, मूवी सस्ती टिकट और मिलेगा। समझ रहे हो ना, वह क्या सीन है। हाँ भाई ठीक लगी मूवी? अमित भाई तुम बताओ। पर मूवी का अर्जुन भाई कपड़े लेने आए अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। नहीं तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। अरे चलो आवाज चुप। अरे भाई स्नैप भेजते रहना खाने मत देना हमें। हाँ भाई खा लो, हमने क्या मना करिए भाई खाने से। भाई आधे घंटे से रोक रखा है, स्नैप भेज दो। ले भाई देख, अभी देता हूँ टेस्ट रिव्यू। अमित भाई बताओ खा के कैसा लग रहा? मैं भी तो खा लूँ भाई। बर्गर ठीक है, तुझे कैसा लगा भाई? एक नंबर बर्गर, मैं हर चीज़ पे एक नंबर। कुछ ओरिजिनल भी रिव्यू बता दिया करो। अमित भाई तुम बताओ कैसा लगा? मुंह में जा ही रहा, काम ही चल रहा। अमित भाई का मूड खराब हो गया बर्गर खा के। चलो भाई सिस्टम, चलो भाई। सो गाइस मैं आ चुका हूँ घर। मूवी जो देखी थी काफी अच्छी है, ओके रिपोर्ट है, देख के आ सकते हो, बढ़िया रिव्यूज है मेरी साइड से तो। और एक्शन सीन्स वगैरह भी काफी अच्छे हैं मूवी में। सो गाइस घर आके थोड़ी देर सो गया था मैं, लंच वगैरह करके। और आज है ट्यूसडे और लास्ट डे भी है नवरात्रे का, तो आज मंदिर जरूर जाना है। और आप लोग भी वीक में एक बार मंदिर जरूर जाया करो भाई, टाइम निकाल के। सारी चीजों के लिए टाइम निकालते, मंदिर के लिए भी थोड़ा सा निकाल लोगे तो कम थोड़ी बढ़ जाएगा टाइम। भाई बाल वाल थोड़े से खराब हो रहे हैं, इस पे थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि यार नवरात्रि की वजह से मैंने हेयर कट कराया नहीं था। मैंने सोचा दशहरे के बाद ही करा लूंगा। और अभी फिलहाल मैं पहले जिम की मील्स वगैरह ले लेता हूँ, जिससे मैं मंदिर जाने के बाद डायरेक्ट जिम चला जाऊँ। वैसे भाई इतना बुरा भी नहीं लग रहा, ठीक लग रहा हूँ। और बाकी आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ भाई, 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं मेरे इस चैनल पे। और यार बस क्या बोलूँ भाई, 2-3 महीने में सोचा था सिर्फ 200 या 300 सब्सक्राइबर्स ही हिट कर पाऊंगा, पर भाई आप लोग इतना प्यार सपोर्ट दिखाते हो ना, बस यार दिल खुश हो जाता है, मोटिवेशन मिलती है काफी। ऐसे ही आगे भी प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना भाई। मेरा ना वो वाला सीन नहीं है कि कैमरे के सामने कुछ और रहूं और रियल लाइफ में मैं कुछ और हूं। भाई आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं आपके सामने भी वैसे ही रहता हूं जैसे मैं नॉर्मल अपनी रियल लाइफ में रहता हूं। कोई अलग नहीं भाई, जो सीन होते हैं जो मैं बात करता हूं वही सब आप लोगों से करता हूं। भाई अपनी फैमिली से क्या छुपाना, अब तो आप मेरी फैमिली हो। और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हिट करवा दो, शेयर वेयर करवा के वीडियोस को। भाई एक बात बताता हूँ आप लोगों से, मेरी रियल लाइफ की बात है, नाम नहीं बताऊंगा मैं उस लड़के का। लेकिन जब आप थोड़ी सी ग्रोथ करने लगते हो ना भाई, जब आप आगे बढ़ने लगते हो, कुछ अच्छा करने लगते हो, जो दूसरे जो साथ के भी होते हैं ना भाई, वो भी आपको देखकर जेलस होने लगते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता भाई, तुम किसी की किस्मत का थोड़ी छीन लोगे, हर कोई अपनी किस्मत का खाता है भाई। मैं अपनी किस्मत का खाऊंगा जो मैं खाऊंगा, तो जेलसी से क्या फ़ायदा भाई। एक दूसरे को मोटिवेट करो, आगे बढ़ो, है ना, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए कि भाई कुछ काम है या कुछ भी आगे तुझे नीड पड़ रही है तो हमें बता। लेकिन भाई कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, दूसरा ना देख नहीं पाता वो इंसान की खुशी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमेशा अपने साथ ना खड़े रहो, कोई आपके साथ खड़ा हो ना हो, आप अपने साथ हमेशा खड़े रहो, अपने आप को मोटिवेट करते रहो। चाहे दुनिया आपके अपोजिट हो जाए, आप अपने साथ खड़े रहोगे ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता। भाई मैं ना ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। और एक टाइम ना आपकी लाइफ में ऐसा आ जाएगा कि आपको लगने लगेगा मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसे छोड़ देता हूँ, या फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग। तो भाई कभी भी ना डिमोटिवेट नहीं होना, दुनिया है भाई, जिसे साथ देना होगा देगा, लेकिन अपने ऊपर किसी पर डिपेंड मत रहो।
अपने ऊपर डिपेंड रहो भाई। ये चीज मैंने फील करी है कुछ टाइम पहले, क्योंकि मेरे साथ एक सीन हुआ था कि जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी ना लोगों की, तो जब भी लोगों ने साथ नहीं दिया, मतलब ये देख कर कि हाँ टाइम खराब है सब चीज है, पर भाई वो वहां मेरी गलती थी कि मैं दूसरों पर डिपेंड हुआ। आप भी किसी पर डिपेंड नहीं होना भाई, खुद पर विश्वास रखना है। ऐसा कोई काम नहीं आप जो ना कर सकते हो खुद पर विश्वास रख के। तो हमेशा कभी भी कोई भी बात हो, कोई भी दिक्कत हो ना, अगर आप किसे शेयर नहीं कर पा रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो कि भाई मुझे ये बात आपसे बतानी है, कुछ भी पूछना हो भाई, आपका भाई हमेशा आपके साथ है। और भाई आज के लिए इतनी मोटिवेशन काफी है, ज्यादा मोटिवेशन दूंगा ना तो मेरा ही दिमाग खराब हो जाएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। सो गाइस अब आ चुके हैं जिम, अर्जुन भाई कराएंगे आज वर्कआउट। वो तो बताओ वो पीटी कैसी हुई अभी भाई? भी ऐसा हुआ जिम घर से निकल गए, जिम मोटिवेशनल पूरी कि भाई आज वर्कआउट करना तगड़ा। अर्जुन भाई ने कॉफी वॉफी ले ली, कॉफी पी ली, अब बैग में देखा तो सिपर नहीं पानी के लिए, फिर भाई घर वापस आना पड़ा। अब अर्जुन भाई पूरे फॉर्म में, कॉफी वॉफी मार के तगड़ा वर्कआउट दिखाएंगे आज। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराने इस मंथ, इसलिए शेयर कर दो।